बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजा रात, इस वक्त दुनिया में 1125 खरबपति हैं, इनमें से 495 का ताल्लुक अमरीका से और इनमें एक नाम बिल गेट्स भी है। बिल गेट्स 53 बरस का एक अमरीकी बिजनेसमैन है और ये 13 वर्ष तक दुनिया का अमीर तरीन शख्स रहा। बिल गेट्स के बारे में बड़ी बड़ी दिलचस्प बातें मशहूर हैं। मसलन कहा जाता है कि बिल गेट्स की दौलत में हर सेकेंड $250 का इजाफा हो जाता है। हालांकि अगर इस इजाफे को 24 घंटों पर जरब दें तो ये $21.6 मिलियन बनते हैं और अगर इन डॉलर्स को रुपयों में तकसीम किया जाए तो ये 1,72,80,00,000 रुपए बनते हैं। गोया बिल गेट्स की दौलत में 1,73,00,000 रुपए रोजाना इजाफा हो रहा है। बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि अगर उसके हाथ से $1,000 गिर जाए तो उसे $1,000 उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे ये रकम उठाने के लिए 4 सेकंड लगेंगे, जबकि इन 4 सेकंड में उसकी दौलत में $1,000 का वैसे ही इजाफा हो जाएगा। बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका $7.3 ट्रिलियन का मकरूज है और बिल गेट्स अकेला 10 साल में अमेरिका का यह सारा कर्जा अदा कर सकता है। बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि अगर वह पूरी दुनिया के लोगों में $15 तकसीम करे तो इसके बावजूद उसके पास $5 मिलियन बच जाएंगे। कहा जाता है अगर बिल गेट्स को मुल्क तस्लीम कर लिया जाए तो वो दुनिया का 35वां अमीर तरीन मुल्क होगा। बिल गेट्स की दौलत को अगर $1 में तब्दील कर दिया जाए तो उसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए 713 बोइंग तैयारों की जरूरत पड़ेगी। बिल गेट्स के नोटों को अगर लंबाई में बिछा दिया जाए तो ये जमीन से चांद तक के फासले से 14 गुना ज्यादा होंगे और बिल गेट्स अगर 35 बरस तक अपनी दौलत खर्च करता रहे तो उसे रोजाना $70,00,000 खर्च करना पड़ेंगे, तब जाकर उसकी दौलत खत्म होगी। हज़रात, मैंने बिल गेट्स और उसकी दौलत का यह मुआजना आपको बिल गेट्स का एक कॉल सुनाने के लिए किया है। बिल गेट्स ने कहा था कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन अगर आप गुरबत के आलम में इंतकाल कर जाते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कसूर है। नाज़िम, बिल गेट्स का यह कॉल दुनिया में तरक्की का सबसे बड़ा नुस्खा है। इंसान इस कुर्रे अर्ज पर सब कुछ कर सकता है। ये बदसूरत से खूबसूरत हो सकता है, ये गुर्बत से अमारत तक आ सकता है, ये नाकामी से कामयाबी तक का सफर तय कर सकता है, ये जहालत से इल्म तक पहुंच सकता है और ये पसमानदा से तरक्की याफ्ता कहला सकता है। गर्ज जमीन की आखिरी तय से लेकर आसमान की आखिरी परत तक दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो इंसान के लिए नामुमकिन हो। बस इंसान को नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। पहली, इखलास। दुनिया का कोई शख्स इखलास के बगैर अपने हालात नहीं बदल सकता। दूसरी, मेहनत। दुनिया का कोई शख्स मेहनत के बगैर कोई टारगेट अचीव नहीं कर सकता। तीसरी, विजन। दुनिया का कोई शख्स विजन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। और चौथी, मुश्किल मजाजी। दुनिया का कोई शख्स मुश्किल मजाजी के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। और नाज़रीन, मुश्किल मजाजी, विजन, मेहनत और इखलास, वो 4 खूबियां हैं जो अल्लाह ताला हर इंसान को अता करता है, लेकिन इन 4 खूबियों को बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो इस्तेमाल कर जाते हैं वो बिल गेट्स बन जाते हैं और जो नहीं इस्तेमाल करते वो हमारी तरह हालात का शिकवा करते रहते हैं, वो किसी गैबी इमदाद का इंतजार करते रहते हैं। नाज़रीन, कौमें और उनका मकद्दर भी इंसानों की तरह होता है। जो कौमें मुश्किल मजाजी, विजन, मेहनत और इखलास से काम लेती हैं वो कौमों की दौड़ में आगे निकल जाती हैं, और जो इन खूबियों से काम नहीं लेती वो दूसरी कौमों के मोहताज होकर जिंदगी गुजारती हैं। और अगर हम बिल गेट्स के कॉल को कौमों पर लेकर आए तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई कौम पसमानदा पैदा हुई तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं, लेकिन अगर वो 50-60 साल तक गैर तरक्की याफ्ता है तो इसमें सरासर उसका कसूर है।